नमस्कार। रियासी जिले की चसाना तहसील के दमनी इलाके में टिप्पर खाई में गिरने से दो युवक घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये टिप्पर नंबर JK11C6455 जो है वो बलमत कोर से दमनी की तरफ जा रहा था और दमनी इलाके के पास ही ये एक गहरी खाई में गिर गया, जिससे दो युवक घायल हो गए और कुल तीन लोग इसमें सवार थे चालक समेत, और चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। दो युवक जो हैं उन्हें इलाज के लिए PHC गोटा ले जाया गया। यहाँ उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद GMC जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया। हालांकि अब ये श्योर नहीं है कि वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए हैं या GMC जम्मू जाएंगे, लेकिन एक दो में से एक घायल को ज़्यादा चोटें आई हैं और इन दोनों को GMC जम्मू के लिए PHC गोटा से रेफ़र कर दिया गया है। और आपको बता दें कि दो जो घायल हैं उनकी पहचान अब्दुल गनी, आयु करीब 22 वर्ष, सनाफ बशीर अहमद, निवासी हमूसन तहसील चसाना, और सोहेल अहमद, आयु करीब 18 वर्ष, पुत्र मोहम्मद शबीर, निवासी केवल बुद्धल, डिस्ट्रिक्ट रजौरी। यानी कि एक जो घायल है वो तहसील चसाना का है और दूसरा जो घायल है वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी का है, केवल बुद्धल इलाके का है। और इसके साथ ही जो चालक, जो पुलिस से जानकारी मिली है, जो चालक मौके से फरार हो गया है, और जो चालक की पहचान शबीर अहमद, सन्नाफ मोहम्मद सादिक, निवासी चाना कोटली चसाना के रूप में हुई है। तो दो घायल टिप्पर दुर्घटना में, टिप्पर खाई में गिरने से रियासी जिले की चसाना तहसील के दमनी इलाके के पास, और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये जो टिप्पर था वो खाली था और बलमत कोट से दमनी की तरफ जा रहा था। बलमत कोट और दमनी जो सड़क है वहाँ से गुजर रहा था और दमनी इलाके के पास ही ये टिप्पर एक गहरी खाई में गिर गया, जिससे दो यो युवक हैं जिनकी पहचान आपको एक बार फिर बता दें अब्दुल गनी और सोहेल अहमद के रूप में हुई है, ये दोनों युवक घायल हो गए और इन्हें PHC गोटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोटा ले जाया गया। यहाँ इन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद GMC जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया। और आपको एक बार फिर बता दें कि इस टिप्पर में कुल चालक समेत तीन लोग सवार थे, चालक मौके से फरार हो गया है और चालक की पहचान शबीर अहमद, निवासी चाना कोटली तहसील चसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में हुई है। तो चसाना से ये खबर आ रही है, चसाना तहसील से, यहाँ दमनी इलाके के पास एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक टिप्पर खाई में गिर गया है, जिसमें दो युवक जो हैं वो घायल हुए हैं और जो चालक है वो मौके से फरार हो गया है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।